नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेश पुरी। बिहार पुलिस में संसाधनों की काफ़ी कमी है, इसके बावजूद बिहार पुलिस के जवान जो हैं वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में रहते हैं, संसाधनों की कमी में भी वो जितने भी सरकार के द्वारा आदेश दिए जाते हैं लगभग उसे पूरा किया जाता है। लेकिन जवानों के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये आ गया है कि उनकी यात्रा भत्ता के संबंध में एक फरमान जारी किया गया है पुलिस मुख्यालय की तरफ से। आपको बताएं कि बिहार में जितने भी पुलिस बल हैं, चाहे जिला पुलिस बल की इकाई हो, BMP हो या अन्य हो, रिजर्व बटालियन सैप हो, ये सब हैं, तो उनके लिए है कि अगर वो जॉब करते हैं अपना, अगर उनका ड्यूटी जो है मुख्यालय से बाहर कहीं लगता है तो उसके लिए उन्हें यात्रा भत्ता दिया जाता है, जिनमें उनके और उसके अलावा उनके रहने और खाने का भी सरकार जो है व्यवस्था करना है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। उसका अरेंजमेंट जो है वो जवान ही अपने से करते हैं। लेकिन अभी एक फरमान आया है, आप चिट्ठी देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि अब जो है जैसे पैसे जो दिए जाते थे एक दिन में बाहर ड्यूटी करने के, तो आपको बताएं कि पटना जिला में अगर आपकी पोस्टिंग है और आपको कहीं ड्यूटी लगता है, इनकेस मान लीजिए कि आप किसी मंत्री के यहाँ ड्यूटी करते हैं, तो 375 रुपये आपको एक्स्ट्रा पर दिन के हिसाब से मिलेगा। वही दूसरे ज़िलों में आप हैं पटना से बाहर, 275 रुपये हैं। इसके लिए भी काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ा हमारे बिहार पुलिस के जवानों ने, और ये 2017 से मिलना शुरू हुआ। और इसके अलावा सरकार को व्यवस्था करना है रहने और खाने का, लेकिन नया फरमान जो आया है उसके मुताबिक आपको इसी पैसे में रहने और खाने का भी व्यवस्था करना पड़ेगा। बहुत सारे जवानों ने हमें वो चिट्ठी भेजी है और उनका कहना है, साफ विरोध वो दर्ज कर रहे हैं कि हमें बाहर, हम ड्यूटी करते हैं बाहर की ड्यूटी काफ़ी जो है वो ज़्यादा ड्यूटी करना पड़ता है, 8 घंटे का शेड्यूल फॉलो नहीं हो पाता है, लगभग 24 घंटे की ड्यूटी रहती है। ऐसे में सरकार जो है अलाउंस देती है, ट्रेवल अलाउंस, उसी में ऐड करना खाने और रहने का, ये एक सरासर अन्याय है। तब उनके पास बाहर में ड्यूटी करने का कोई फ़ायदा नहीं बचेगा। और इस पर जो है बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन ने भी काफ़ी ऐतराज़ जताया है। चलिए सुनते हैं, बिहार मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं धीरज यादव, उन्होंने क्या कहा। पुलिस मुख्यालय द्वारा पुलिसकर्मियों को भुगतान हो रहे विराम भत्ता एवं यात्रा भत्ता में तरह तरह के अड़ंगा डाला जा रहा है, वो काफ़ी निंदनीय एवं कष्टदायक है। पुलिस मुख्यालय सर्वोच्च अभिभावक के नाते पुलिसकर्मियों का संरक्षक है, परंतु इसके प्रतिकूल पुलिस मुख्यालय द्वारा ही कुठाराघात किया जा रहा है, जिससे पुलिसकर्मियों में काफी क्षोभ, भय और आक्रोश व्याप्त है। जिन सुविधाओं को पुलिसकर्मियों के लिए सरकार द्वारा मुहैया कराया गया है, उन सुविधाओं को भी वरीय पदाधिकारी अपने निजी तौर पर इस्तेमाल करते हैं और पुलिसकर्मियों को उन सुविधाओं से भी वंचित होना पड़ता है। बिना मूलभूत सुविधाओं के किसी तरह जीवन बसर करने वाले पुलिसकर्मियों को मुफ्त आवासन के नाम पर उनके विराम भत्ता से कटौती का कोई भी कदम काफी कष्टदायक है, पुलिसकर्मियों को आहत करने वाला है। बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन इस कदम का प्रतिकार करेगा और इसके लिए आंदोलन करने के लिए भी बाध्य होगा। तो जैसा कि आपने सुना कि यात्रा भत्ता को लेकर इनकी नाराजगी है, और आपको हम बता दें कि बिहार पुलिस के जो जवान हैं, जो BMP में हो, सैप में हो या IRB में हो, जो कि रिजर्व बटालियन सब है, उन सभी में जो संसाधन है उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। तंबुओं में रहना पड़ता है, जर्जर मकानों में रहना पड़ता है, ना वहाँ बाथरूम की सुविधा अच्छी होती है, ना पानी की सुविधा अच्छी होती है, या विपरीत परिस्थितियों में वो रहते हैं। और ये नहीं कि कुछ दिनों के लिए, ये कि कुछ बवाल हुआ है या बलवा हुआ है, वहाँ पर गए और फिर वहाँ शांत हुआ तो चले आए, बल्कि लंबे समय तक। आप ऐसे बहुत सारे BMP के और फिर से पुलिस लाइन के देखते होंगे जहाँ पर जर्जर मकान है, उसमें पुलिसकर्मी रह रहे हैं। तो इतने विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे पुलिस बल के जवान जो हैं वो ड्यूटी करते हैं, और मितव्ययता के नाम पर इनके जो सुविधाएं इनको दी जाती है, जिनके लिए इन्होंने बहुत लंबे समय तक
लड़ाई लड़ी, उनको काटना सरासर गलत है। पुलिस मुख्यालय को इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि इनसे जो है वो जो पुलिस बल के जवान हैं उनका कहना है कि ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सेंट्रल फोर्सेज में ये नियम अप्लाई होता है, तो उसके लिए बहुत तरह के अलाउंस मिलते हैं जिससे उनको इससे दिक्कत नहीं होता है, लेकिन बिहार पुलिस में उतनी सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती है जो कि सेंट्रल फोर्सेज में मिल पाती है। तो हमारी भी गुजारिश है पुलिस मुख्यालय से कि जवानों के इस प्रॉब्लम पर आप ध्यान दें, और मितव्ययता के लिए बहुत सारे और भी क्षेत्र हैं जिसको रोका जा सकता है, जो पैसे की जो पैसे बजट की जो बचाने की बात है, पैसे को बचाने की बात है, बहुत सारे चीज़ों में किया जा सकता है, लेकिन जो वेतन है और बुनियादी सुविधा है उसमें किसी तरह की कटौती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जवान जो हैं वो दिनों रात काफ़ी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करते हैं, और ड्यूटी करने के लिए उन्हें संसाधन और वैसे माहौल देना बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।